हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग DGMS एग्जाम 2024 जो कि हर साल दिसंबर के महीने में होता है, इस एग्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के अपडेट पे चर्चा करने वाले हैं। DGMS द्वारा हाल ही में एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट निकाला गया, कुछ नोटिस निकाला गया, जिस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड अपडेट, एग्जाम या फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन या फिर माइनिंग सरदार ओवरमैन की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्त और कलिक्स के साथ हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा DGMS ऑफिशियल वेबसाइट का ये आपको पॉपअप करता हुआ दिख रहा होगा, जिसमें साफ साफ DGMS एग्जाम 2024 रिलेटेड नोटिफिकेशन DGMS ने निकाल दिया है। एग्जाम कब होगा, ओरल एग्जाम कब होगा, कितनी फी ली जाएंगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारा डिटेल हम लोग बारीकी से एक एक करके देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें और अपने आप को अप टू डेट करें DGMS एग्जाम 2024 से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं हम नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिए ये नोटिफिकेशन है जो DGMS द्वारा निकाला गया है, माइंस एक्ट 1952 एग्जामिनेशन फॉर, एक मिनट लेट मी चेंज द कलर, हाँ, माइंस एक्ट 1952 एग्जामिनेशन फॉर मैनेजर ओवरमैन फोरमैन सर्वेयर सरदार मेट ब्लास्टर एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर द मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961, कोल माइन रेगुलेशन 2017 और माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग में जो जो एग्जाम लिए जाते हैं DGMS के तौर पर, DGMS की तरफ से उनका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन को बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं जिससे हम लोग को ये पता चले कि कौन सा एग्जाम कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा और कितनी फी ली जाएगी और कहाँ कहाँ सेंटर और किस लैंग्वेज में आपका एग्जाम जो है वो होगा। द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी यानी कि DGMS धनबाद इज होल्डिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पहला CBT पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद ओरल एग्जामिनेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो CBT होने वाला है, मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, फोरमैन सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, मेट सर्टिफिकेट, ब्लास्टर सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड अंडर द मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन, कोल माइन रेगुलेशन और माइंस एक्ट 1952 इन दिसंबर 2024, दिसंबर के महीने में हर साल के भांति इस साल भी DGMS अपना जो CBT एग्जाम है लेने जा रही है। किन किन जगहों पे, जगह का नाम आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अजमेर, आसनसोल या दुर्गापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, नवेली, भिलाई, भुवनेश्वर, बोकारो, कटक, धनबाद, गाजियाबाद एंड दिल्ली NCR, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमशेदपुर, नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, वाराणसी, रांची एंड उदयपुर सेंटर। इतने सेंटरों में DGMS का CBT एग्जाम जो है वो ऑथोराइज होने वाला है दिसंबर 2024 के महीने में। एग्जामिनेशन ऑफ ओवरमैन सरदार फोरमैन मेट ब्लास्टर एंड गेस्ट टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड इन किन किन लैंग्वेज में आपका एग्जाम होने वाला है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ एंड तमिल लैंग्वेज। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लैंग्वेज में आपका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। आप इनमें से किसी भी माध्यम में अपना एग्जाम को दे सकते हैं और अपना जो है वो सर्टिफिकेट सुनिश्चित कर सकते हैं। कैंडिडेट हु डिजायर टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड इन DGMS वेबसाइट पर। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का लिंक जो है वो मिल जाएगा। नो अदर मोड फॉर सबमिशन एंड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। इसको छोड़ के आप किसी भी मोड में अपना एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा तो वो आपका क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इज शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 9 से 13 दिसंबर, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 5 दिन आपका जो है एग्जामिनेशन होने वाला है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड या फिर ऑथोराइजेशन लेटर जो है वो आपको किसके, DGMS के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। डाउनलोड एंड एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड इट एंड प्रेजेंट इट फॉर एग्जामिनेशन के टाइम में आपको अपना एडमिट कार्ड देना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले YouTube चैनल पे आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन पर्याप्त किया जा रहा है कि DGMS का एग्जाम 2024 नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। तो इस मेहनत के लिए, इस सबसे पहले अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने प्यार से सपोर्ट करें। फी देखते हैं, सबसे पहला फी जो है फर्स्ट क्लास मैनेजर अंडर MMR 100 रुपया, फर्स्ट क्लास मैनेजर अंडर CMR 1200 रुपया, सेकंड क्लास मैनेजर अंडर MMR 75, सेकंड क्लास मैनेजर अंडर CMR 900 रुपया। अगर आप सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट कोल के लिए ले रहे हैं तो 900 रुपया, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट कोल के लिए ले रहे हैं तो 1200 रुपया। अब कौन कौन सा सर्टिफिकेट किस रेगुलेशन के तहत आता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, रेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, कोल माइन 2017, फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेकंड क्लास मैनेजर, रेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, MMR 1961 के तहत भी जो मेटल माइंस में अदर देन कोल माइंस में जॉब करते हैं उनको MMR के तहत अपना फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लेना होता है। फी की बात करें तो ओवरमैन कोल 600, सर्वेयर कोल 600, सरदार कोल 400, फोरमैन मेटल 50, सर्वेयर मेटल 50, मेट मेटल 30, ब्लास्टर मेटल 25, गैस टेस्टिंग का 300 जो है वो आपका फी लगने वाला है। फी आपको पता होगा हर साल की भांति इस साल भी भारत कोष में आपको पेमेंट करके अपना एग्जामिनेशन को प्रोसीड करना है। ये प्रोविजन है, ओवरमैन सर्टिफिकेट कोल मैन रेगुलेशन के तहत मिलता है, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट माइंस एक्ट 1952 के तहत मिलता है, इसमें आपको उतना कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिफोर अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर डेट
possesses the qualification and experience prescribed under the metalliferous mines regulation. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप गैस टेस्टिंग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और कोई भी एक्सपीरियंस अगर गलत माना जाता है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर फर्दर डिटेल एंड इंफॉर्मेशन ऑन द अबव प्लीज विजिट द DGMS वेबसाइट, www.dgms.gov.in पे आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलअप का? लास्ट डेट फॉर फिलिंग एंड सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फी इज 8 अक्टूबर 2024 के रात में 12 बजे तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, नोटिफाइड ऑन 9/8/2024 इन DGMS वेबसाइट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीबीटी एग्जाम के बारे में हम लोग चर्चा कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं ओरल एग्जामिनेशन। DGMS सीबीटी के साथ साथ ओरल एग्जामिनेशन भी वैसे कैंडिडेट का लेती हैं जो लिटरेट नहीं है। अब जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है वो ओरल एग्जामिनेशन ही देंगे, तो चलिए ओरल एग्जामिनेशन पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। द चेयरमैन बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी यानी कि DGMS धनबाद इज होल्डिंग ओरल एग्जामिनेशन फॉर किसके किसके लिए? मेट ब्लास्टर गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर द मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के तहत मेट और ब्लास्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और माइंस एक्ट 1952 के तहत गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका भी एग्जाम दिसंबर 2024 में होने वाला है। कैंडिडेट हु हैव नॉट पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी इज नॉट फेमिलियर विद कंप्यूटर मे ऑफ फॉर ओरल एग्जामिनेशन। जो कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है या फिर जो 12th वगैरह नहीं किए हैं वो ये क्या कर सकते हैं? ओरल एग्जामिनेशन ऑप्ट आउट करके ओरल एग्जामिनेशन देकर अपना सर्टिफिकेट सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन इन परफॉर्मा प्रोवाइडेड एंड एट DGMS वेबसाइट इन एग्जामिनेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू अंडर किसके अंदर है? एग्जाम फॉर्म्स फॉर्मेट में आपको जाके सारा चीज देखना है और कहां भेजना है? सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन DGMS धनबाद 826001। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट देयर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन इंक्लोज्ड विद रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट शुड रीच द अबव मेंशन एड्रेस ऑन और बिफोर 9 अक्टूबर 2024 के पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। जो बच्चे ओरल एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे सीबीटी कर रहे हैं अभी उनको कोई तरह का कोई चीज पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे ओरल एग्जाम दे रहे हैं उनको पोस्ट करना है अबव मेंशन एड्रेस पे, ठीक है। शेड्यूल ऑफ ओरल एग्जामिनेशन देखते हैं, ओरल एग्जामिनेशन कहां कहां होगा। द ओरल एग्जामिनेशन इज शेड्यूल टू बी हेल्ड एज पर शेड्यूल गिवन बिलो एट कहाँ कहाँ? धनबाद, रांची, चाईबासा, सीतारामपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, नागपुर, चेन्नई, बिलासपुर, भुवनेश्वर, वाराणसी, जबलपुर, ग्वालियर, बेंगलुरु, गाजियाबाद एंड गुवाहाटी, ठीक है। द सेंटर में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिसीव, सेंटर बाद में चेंज भी किया जा सकता है अगर एप्लीकेंट ज़्यादा हो गए तो, ठीक है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑथोराइजेशन लेटर शैल बी सेंड टू द एप्लीकेंट बाय पोस्ट और ईमेल एंड एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इट फॉर एग्जामिनेशन। पोस्ट या फिर ईमेल के थ्रू आपका एडमिट कार्ड चला जाएगा और ओरल एग्जामिनेशन जब होगा उस टाइम पे आपको क्या करना है, वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, 11/12 यानी 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। 11 दिसंबर को माइनिंग मेट का एग्जाम होगा और 13 दिसंबर को ब्लास्टर का एग्जाम होगा और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का एग्जाम होगा। फी देखते हैं इसमें, मेट का 30 रुपया, ब्लास्टर 25 रुपया, गैस टेस्टिंग 300 रुपया। कोल मैन रेगुलेशन के तहत जो भी एग्जाम होता है या फिर माइंस एक्ट के तहत जो भी एग्जाम होता है उसका फी ज्यादा है। MMR 1961 मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम होते हैं उसका फी 30, 50, 70 यही रहता है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अब हम लोग देखते हैं, नेम ऑफ ओरल एग्जामिनेशन। अब यहां पे आता है वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट का भी एग्जामिनेशन हो रहा है, वाइंडिंग ड्राइवर सर्टिफिकेट एग्जाम मेटल सेकंड क्लास का भी एग्जामिनेशन हो रहा है 11 और 13 तारीख को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, द फी फॉर सीबीटी एंड ओरल एग्जाम शैल बी पेएबल ऑनलाइन ओनली थ्रू भारत कोर्स वेबसाइट। आपको जो ऑनलाइन पेमेंट है वो जैसा कि मैंने बताया कि भारत कोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जितना भी जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो फी पेमेंट करना है। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं, हाँ, लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एंड रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फी इज 9 अक्टूबर 2024 अप टू 5 बजे नोटिफाइड और 9/8/2024 इन DGMS वेबसाइट। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं ओरल एग्जामिनेशन फॉर वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए भी जो है एग्जाम ली जा रही है, इसका एग्जाम 11 तारीख को और 13 तारीख को होगा जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया आपको। तो यही था कुछ नोटिफिकेशन जो DGMS द्वारा आपको DGMS के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पर्याप्त मिल जाएगा, आपको वहां से मैंने पॉपअप करता हुआ दिखा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास या फिर GT वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, डेली आपको वीडियोस मिलेगा। और आपको अगर PDF चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे माइनिंग मिशन चैनल से परचेस कर सकते हैं, जिसका एक सैंपल मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखा रखा है। CMR 2017 का MCQ सेट आप हमारे चैनल से परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1500 मिलने वाला है। चैप्टर वाइज इसमें MCQ मिलेगा, 1500 प्लस क्वेश्चन हर एक लाइन से कोशिश किया गया है उठाने का। ये PDF से आप सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास के एग्जामिनेशन में कुछ आपको हेल्प मिल सकता है। जो बच्चे GT की तैयारी
तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। रेगुलर वीडियोज़ उनको जीटी के रूप में मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेट भी इसके साथ आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको माइंस एक्ट, माइंस रूल, वीटी रूल और जनरल माइनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। इस पीडीएफ में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस पीडीएफ को आप परचेस करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस पीडीएफ को परचेस करके अपना डीजीएमएस 2024 का तैयारी या फिर सरदार ओवरमैन का तैयारी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हेल्प आपको जरूर मिलेगा। इस डीजीएमएस के पीडीएफ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेम नोटिफिकेशन आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा। जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है वो हिंदी में इस नोटिफिकेशन को पढ़ के सारा क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा और सारा चीज क्लियर होगा कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, फी क्या है, किन किन सेंटर पे एग्जाम होगा और किन किन लैंग्वेज में एग्जाम होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार हमारे चैनल पे बरसाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।